एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दो नए मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं स्टूडियो में। मेरे साथ के शर्मा आ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, जो कि पटना से। राजीव रंजन भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद मिश्रा आपका भी। राजीव रंजन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पटना से। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। टी आर रामचंद्रन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और निलंजन मुखोपाध्याय भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संसद भवन से मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारा साथ दे रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन से रवि त्रिपाठी हैं। रवि त्रिपाठी अगर हमारे साथ मौजूद हो तो मैं सबसे पहले रवि त्रिपाठी का रुख करना चाहूंगा। रवि त्रिपाठी, अब क्योंकि रामनाथ कोविंद जी राजघाट से निकल चुके हैं, अब सब नजरें या यूं कहें कि अब सब कैमरे रुक कर चुके हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। जब पहली मुलाकात होगी टू बी प्रेसिडेंट बनने वाले राष्ट्रपति और इस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बीच में। जी बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जो गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी हो रही है उसमें तीनों सेना, जल थल और वायु सेना के लोग जो सैनिक होते हैं वो तैयारी कर रहे हैं वहाँ। बिल्कुल शायद कैमरे में, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं जिसमें तीनों सेना के लोग एक साथ दिखेंगे, जो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे उनको राष्ट्रपति बनने के बाद। एक जो कार्यक्रम होगा तो उसकी तैयारी, अब कलर दिखना शुरू हो गया बेसिकली। अब धीरे धीरे ये रूट रास्ता बंद किया जाएगा विजय चौक का। आप देख सकते हैं विजय चौक से ही रायसीना हिल्स जाने का रास्ता है, ये सज धज जाएगा ऐसा देखने में आपको लगेगा, तस्वीर में की सुंदरता होगी। और साथ साथ जब काफिला निकल कर आएगा, पहले तो वो जाएंगे तो साधारण तरीके से जाएंगे जिसमें उनको जो सेक्रेटरी होंगे मिलिट्री सेक्रेटरी उनको लेकर जाएंगे राष्ट्रपति भवन तक। लेकिन जब वहाँ से निकलेंगे प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद तो उस समय जो काफिला देखने लायक होगा, आगे घोड़ों की सवारी होगी, बीच में बुग्गी पे सवार होंगे, बाईं तरफ जो अभी राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी वो होंगे और दाहिनी तरफ कोविंद जी होंगे। जब वापस लौट के पार्लियामेंट से जाएंगे तो शायद ये स्थिति बदली होगी। तो कुल मिला जुलाकर सारी तैयारी हो चुकी है, थोड़ी देर अब इनका इंतजार है जब रामनाथ कोविंद यहाँ से गुजरेंगे और रायसीना हिल्स जो उनका अगला मुकाम होगा उस जगह के लिए जाएंगे और पहली बार राष्ट्रपति जो अभी फिलहाल राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी उनसे मुलाकात करेंगे। पहली बार मुलाकात के बाद कहा, जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ चर्चा भी होगी, क्योंकि जब आप एक हैंड ओवर करते हैं तो कई सारी बातचीतें होती हैं जिसमें कुछ सीक्रेट फाइल्स के ऊपर डिस्कशन होगा, कुछ और बातचीत होगी। दोनों जाहिर तौर पे उनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, वो जानना चाहेंगे रामनाथ कोविंद भी पहली मुलाकात में कि उनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। हालाँकि एक एक्सपीरियंस आदमी है क्योंकि गवर्नर के तौर पर उन्होंने काम किया और गवर्नर के तौर पर उनके काम की तारीफ की गई है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि केवल उनका परिवार आज खुश नहीं हो रहा होगा, पूरा देश खुश होगा, क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिलता है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो देश का है, वो ये सोचता है कि वो भी इस पद तक जा सकता है। ऐसे लोग जो राष्ट्रपति जब भी बनते हैं तो इनसे इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसे लोग जब भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि आप भी, एक आम आदमी भी मेहनत के जरिए ईमानदारी से काम कर नहीं। रवि त्रिपाठी बिल्कुल, और ये पूरे देश के सामने एक मिसाल है, पूरे देश में इस चीज की चर्चा हो रही, बात हो रही है, एकमत है, एकजुट है, सब कुछ है। लेकिन रविंद्र, यहाँ पर संक्षिप्त में मैं आपसे आपको भी शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स आप भी कवर कर रहे हैं, हमारे साथ पहुंचा रहे हैं और रवि त्रिपाठी भी कर रहे हैं, पर ये क्या सबको समझ में आता है कि इतना बड़ा दिन है, एकजुटता का दिन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के सेलिब्रेशन का सबसे बड़ा दिन है, तो क्या सिर्फ सांसदों को समझ में नहीं आता? क्योंकि एक तरफ तस्वीर संसद भवन से आ रही है जहां कल हंगामा हुआ था, चेयर की तरफ कागज फेंके गए थे, साथ का सस्पेंशन हुआ था और आज फिर हंगामा हो रहा है वहां से, एक ये दूसरी तस्वीर है, ये भी एक सच्चाई है। देखिए, यह सच्चाई है लोकतंत्र की। एक तरफ आप बीजेपी संसदीय दल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की, आज़ादी के 70वें साल के अवसर पर, वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम की घोषणा की है जो 9 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा निकाला जाए कि भारत का विकास कैसे होगा, जन जन की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ संसद में कि विपक्षी दल हंगामा कर रहा है, तो ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं आज के दिन में इससे बचा जा सकता था, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। और सचिन, एक बात जरूर, परंपरा के बारे में पहले चर्चा हो रही थी, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर है जो दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए। जब प्रणब मुखर्जी को 10 राजाजी मार्ग आज छोड़ने जाएंगे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के बाद, लेकिन एक परंपरा थी 1962 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिटायर हुए, निवर्तमान हुए, तो उनको यहाँ पर रहने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था उस समय परंपरा नहीं थी, न ऐसे प्रोटोकॉल था कि घर दिया जाए। जब रिटायर हुए राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनको उनको बग्घी में बैठा के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लेकर गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बग्घी में, और बैठे हुए थे डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे, और दूसरे साइड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति से निवृत्त हो चुके थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो उपराष्ट्रपति थे। और वहाँ से रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन पर जो राष्ट्रपति का एक सैलून होता है रेल का,
उसमें सवार होकर और सीधे चले गए बिहार, जहां सदाकत आश्रम में रहे थे, ये परंपरा वो भी थी। लेकिन अब उसके बाद कई ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका निवास दिल्ली में रहा। जिक्र कर रहा था ना रविंद्र, ये परंपरा, ये सब चीजें, ये स्मृति पटेल की यादें, यही तो धूमिल करती हैं जब यहां से पीछे से जो एम्बियंस में हम आवाज मुर्दाबाद की या फिर यहाँ पर इस प्रोटेस्ट की सुनते हैं। निरंजन, आप इसमें ऐड करना चाह रहे थे इससे पहले कि मैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास जाऊँ। एक बात तो ये कि जितना मुझे याद है 2012 में और उसके पहले भी जब नए राष्ट्रपति की जो स्वेयरिंग इन होती तब पार्लियामेंट सेशन नहीं होती, नहीं होती। इस बार एडवांस हो रखी क्योंकि बजट पहले पेश हुआ है, तो पूरा पार्लियामेंट्री साइकिल एक तरह से 2 सप्ताह के करीब आगे आ गया है। तो वो एक जो क्लैश जो है कि स्वेयरिंग इन उसी दिन हो रही है जिस दिन पार्लियामेंट भी चल रही है, वो घटना है। पार्लियामेंट हाउस में 3 चैम्बर हैं, लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल। सबके अपने अपना एजेंडा है, एक सर्टन शेड्यूल है। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो कुछ घटना हुई, वो चाहे आज विरोध हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ और अगर चर्चा होती तो वो भी एक अपने ड्यू कोर्स में होती। तो डेमोक्रेसी की एक ड्यू कोर्स होती है जिसमें प्रोटेस्ट एक अनिवार्य है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ये पोजिशन लेना चाहिए कि चूंकि आज राष्ट्रपति का वो ओथ लेंगे तो इसकी वजह से किसी विपक्ष के पार्टी को किसी किस्म का कोई विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन निरंजन जी, ये तस्वीरें तो जाती है ना, एक तरफ वो तस्वीरें जब देश का पहला नागरिक शपथ लेने जा रहा है और एक यूनानिमिटी की तस्वीरें हम अपनी डेमोक्रेसी की उसको देती है। नहीं, मैं प्रेमचंद मिश्रा जी से एक चीज पूछता हूँ, क्यों प्रेमचंद मिश्रा जी, थोड़ी देर के लिए क्या ये प्रोटेस्ट ठीक है? अगर हम निरंजन जी की बात मान भी लेते हैं ये प्रोटेस्ट होता और ये डेमोक्रेसी में आपका राइट है, ये थोड़ा आगे कम से कम 12:15 बजे जब शपथ हो जाती सेंट्रल हॉल में, उसके बाद नहीं हो सकता था? जरूरी अभी ये तस्वीरें आनी थी जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद है और ये प्रदर्शन होना था? सबसे पहले मैं नए राष्ट्रपति जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे संविधान के नए रक्षक आए हैं और उनसे ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो देश के लोगों के अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरेंगे और देश में जो भी कानून और संविधान का संरक्षण का काम करेंगे। अब रही बात जो आपने प्रश्न किया है सचिन जी, मैं समझता हूँ दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, मैं इसे कहता हूँ कि लोकतंत्र में जो हमें अधिकार प्राप्त है सत्ता पक्ष को और विपक्ष को भी, तो वो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। यदि विपक्ष को ये लगेगा कि उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है, उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर वो उसका प्रोटेस्ट करेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये तमाम पार्टियाँ समय समय पर करती रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है, आप कह रहे हैं कि 12:15 में ओथ है, तो 12:15 में ओथ में तो अभी टाइम है, कांग्रेस के लोग निश्चित तौर पर उस सेरेमनी में जाएंगे, लेकिन उससे पहले के समय को लेकर ये मान लें कि आज चूँकि ओथ होना है तो आज बाकी कोई काम रोक दिया जाए या हम अपनी बातों को लेकर आवाज़ नहीं उठाएं, वो भी उतना अनुचित नहीं जान पड़ता है जैसा कि आप बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस देश में जो आज संकट की स्थिति है राजनीतिक तौर पर, जो कहीं ना कहीं असहमति के स्वर को लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, एक समूह के द्वारा अपनी सोच को थोपा जा रहा है, ये चीज़ परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। तो नए राष्ट्रपति जी के समक्ष ये भी एक चुनौतीपूर्ण समय है कि इन परिस्थितियों को कैसे वो सॉर्ट आउट करते हैं, उसमें कैसे सामंजस्य स्थापित कराते हैं। चूँकि राष्ट्रपति हैं और वो सबके राष्ट्रपति हैं, हमारे भी हैं और हमारे बीजेपी के मित्र के भी हैं, तो जो परिस्थितियां देश में हैं उनको टैकल करने में राष्ट्रपति जी अपने विजडम का काम लेंगे और देश में भाईचारा का माहौल फिर से बने, ऐसा कांग्रेस पार्टी चाहेगी। और संसद में भी, कल भी आपने देखा प्रणब बाबू ने कल भी कहा, परसों भी कहा कि समय का बर्बादी नहीं होना चाहिए, वो उचित है, लेकिन इसके पीछे क्या परिस्थितियाँ होती हैं, जब लगे कि विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो विपक्ष को तो प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। और वो हमारा आवाज़ अगर नहीं सुनी जाएगी तो चेयर क्या, तो चेयर पर कागज थोड़ा ना फेंके जाएंगे, चेयर पर हूटिंग थोड़ा ना की जाएगी और उसके बाद ही सस्पेंशन हुआ ना? ऐसा कई बार हुआ है लोकसभा में, इससे भी अप्रिय स्थिति हमने देखा है, लोग नोटों की बंडल लेने के आके लहराए हैं इस पार्लियामेंट में, इसी पार्लियामेंट में लोगों ने फाइलें फेंकी हैं, वो भी हमने देखा है, और महीनों संसद की कार्रवाई को ठप किया हमारे बीजेपी के मित्रों ने, ये भी देश की जनता ने देखा है। यानी कि आप भी उसी दिशा में, यानी कि ये तो वही वाली बात होगी कि अनदर फीडर इन द कैप, उन्होंने किया तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। के शर्मा जी, जवाब दीजिए इसका। सचिन जी, सर्वप्रथम तो मैं नवनिर्वाचित जो अपने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और अभी जो प्रेमचंद जी जो बात कह रहे थे कि विपक्ष को नहीं सुना जा रहा है,
और संकट का समय है, असहमति है, देश में विषम स्थिति है, ये जो बड़े लच्छेदार शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ये, लेकिन आप ये देखिए कि ये विरोध क्यों, ये कल ये जो घटनाक्रम संसद के अंदर हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे मूल कारण क्या है। विपक्ष जो है चर्चा की मांग कर रहा है, सत्ता पक्ष हर मुद्दे पर चर्चा कराना चाहता है, और मैं ये पूछता हूँ क्या जिस विषय को लेकर ये चर्चा की मांग कर रहे हैं राज्यसभा में उस विषय पर चर्चा हुई या नहीं हुई, सरकार ने वहाँ पर चर्चा किया या नहीं किया। वास्तव में विपक्ष जो है वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नहीं है, यदि चर्चा है तो वहाँ पर क्वेश्चन आवर होगा, उसके बाद उसका समय तय है, उसके समय के अनुसार से चर्चा कराने का समय तय हो सकता है, समय की बात की गई है उस समय पर चर्चा होगा, लेकिन नहीं काम रोको प्रस्ताव हम लाएंगे, हम ये लाएंगे, नहीं साहब अभी आप वो कर दो, तुरंत अभी आप उसमें बहस करो, एक सिस्टम होता है। राज्यसभा में इसी सहमति के आधार पर चर्चा हुआ और प्रॉपर चर्चा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनकी स्थिति क्या है, ये राज्यसभा में समझ चुके हैं। शर्मा जी एक बार इस मुद्दे पर हम, शर्मा जी आप बात पूरी कीजिएगा, मुझे एक बार आपको रोकना पड़ेगा, कुछ तस्वीरें आ रही, रवि त्रिपाठी के पास मुझे जाना होगा। राष्ट्रपति भवन से कुछ तस्वीरें इस वक्त आ रही है, देखिए वो काफिला गुजर रहा है, रामनाथ कोविंद जी का काफिला, और यहां से रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं। रवि आवाज आ रही है आपको, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तस्वीरों में देखा कि जिस तरह से 10 अकबर रोड से निकलकर वो राष्ट्रपति भवन की तरफ गए हैं, जैसा कि समय पहले बताया गया था 10:27 पर उनके मिलने का, 11:27 पर मिलने का उनका टाइम था, ठीक वही टाइम है क्योंकि अकबर रोड से उनको रिसीव किया है जो मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं राष्ट्रपति के, उन्होंने रिसीव किया और अपने साथ लेकर राष्ट्रपति भवन तक गए। आपको दिखाना चाहेंगे, सारे रास्ते थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि उनका काफिला यहां से गया है। अब वहां जाने के बाद जो पहले से नियत कार्यक्रम था, जो मैंने आपको बताया था कि पहली बार उन दोनों की मुलाकात होगी क्योंकि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, निर्वाचित होने के बाद पहली बार उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान जो दरबार हॉल है, कहा जा रहा है कि दरबार हॉल में दोनों बैठेंगे, बैठकर बातचीत होगी, लगभग 15 से 20 मिनट का ये भी कार्यक्रम है, 15 मिनट के आसपास वो वहाँ बैठकर बातचीत करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स के बारे में जिक्र करेंगे, एक दूसरे को साझा करेंगे चीज़ों को, और उसके बाद लगभग 11:55 से लेकर 12 के बीच में वहाँ से दोनों शख्स जो है अभी निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद बोगी में सवार होकर निकलेंगे, जहां से इसी रास्ते से आकर आपको थोड़ी देर बाद ये रास्ता पूरा बंद कर दिया जाएगा जिस रास्ते से उनका काफिला आएगा, और पूरी तरह से सजता धजता एक तरह घोड़े के टाप टप की आवाज़ आपको सुनाई देगी, और उस टाप की आवाज़ के साथ साथ बोगी में होते हुए दोनों लोग यहां से संसद भवन की तरफ जाएंगे, जहां जाकर वो शपथ लेंगे। 12:15 पर उनके शपथ ग्रहण समारोह का समय रखा गया, जहां जस्टिस कहर उनको शपथ दिलाएंगे। जी वापस आऊंगा, ये तस्वीरें जैसे आती रहेंगी आपसे जिक्र करते रहेंगे। शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात जिक्र लूंगा। तो सचिन जी जो बात मैं कह रहा था कि देखिए राज्यसभा में भी इसी विषय को लेकर, जिस विषय पर आज जो है विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, बकायदा वहां चर्चा हुआ, वहां पर शांतिपूर्वक चर्चा हुआ, सत्ता पक्ष ने जवाब दिया, और जवाब के बाद जो है विपक्ष जो है उसको मुंह की खानी पड़ी है। वो जान रहे हैं कि इसमें हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन इन्होंने, आपको ध्यान होगा, एक चर्चा अभी जैसे सत्र प्रारंभ हुआ एक डोजियर सामने आया सत्ता विपक्ष की ओर से, और उसमें जिस तरह से किस तरह से संसद को बाधित करना है उसका पूरा प्लान आउट था, और वो चीज़ें सामने आ गई, और ये बिल्कुल से विपक्ष ने एक ठान लिया। आपको घटना भी याद होगा, अभी जब चर्चा की बात में सहमति हो जाएगी तो फिर इनके एक नए वो होंगे, नहीं नहीं साहब वो प्रधानमंत्री जी को होना जरूरी है, फिर जब प्रधानमंत्री जी की बात हो जाएगी तो कहेंगे नहीं नहीं साहब प्रधानमंत्री जी को बोलना जरूरी है। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक का इस विषय हो या नोटबंदी के, उस समय भी इन लोगों ने इसी तरह से जो है सदन को बाधित किया। नहीं, अभी तो फिलहाल मेरा तो सवाल जो मूल प्रश्न था वो तो ये था, चलिए ठीक है विपक्ष को अधिकार है अपने प्रोटेस्ट का और अपनी बात रखने का, अब बीच बीच में जब मुझे जाना पड़ता है उन तस्वीरों को दिखाने के लिए, जब वो भव्यता की तस्वीरें आती है, देखिए अंदर से एक बार फिर से तस्वीरें आ रही, पहली बार औपचारिक की मुलाकात हो रही है, रामनाथ कोविंद जी पहुंचे हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन में उनका, ये स्टडी रूम में जिसका जिसकी हमने लेगेसी पूछी थी, जिसका हमने इतिहास पूछा था टी आर रामचंद्रन साहब से भी, अब ऐसी तस्वीरों के बीच में बार बार मुझे उस विंडो में एक दूसरी तस्वीर भी दिखानी पड़े जिसमें बंद करो हाय हाय और इस तरह की आवाजें भी आएं,
तो लोग तो दोनों तरीके की चीजें देखते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर की पूरी तैयारी है। सचिन जी, ये जिम्मेदारी तो विपक्ष की है ना? नहीं, मैं इनसे अनुराग भदौरिया, मैं एक बार अनुराग भदौरिया से कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी चलूंगा इन तस्वीरों के बीच में दिखाते दिखाते। अनुराग भदौरिया, क्या आप इस प्रोटेस्ट के, जो कि ठीक उसी वक्त हो रहा है जब ये सब सेरेमोनियल चीजें चल रही, गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी भी चल रही है, आप क्या इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, साथ हैं सिंबॉलिक तौर पर? देखिए, जब लोकतंत्र की बात हो और जहाँ पे लोकतंत्र के बारे में बात की जाए, जैसे आपने खुद ही बताया, आपका चैनल दिखा रहा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर भी बहुत गरीब परिवार से आए हैं, प्रेसिडेंट भी बहुत गरीब परिवार से आए हैं, सब गरीब परिवार से ही आए हैं, तो ये लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जो गरीब छूट गया पीछे, उसको कौन देखेगा? उसके बारे में बात करने के लिए अगर कोई सांसद में अपनी बात उठा रहा है तो उस पर तानाशाही तो नहीं कर सकते, वो अपनी बात तो कह ही सकता है। और आपका जब सेरेमनी आएगी तो 12:15 बजे तक सब लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके पहले सारा काम रोक दिया जाए, लोकतंत्र ठप हो जाए, काम बंद हो जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। काम तो चलता रहना चाहिए, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला आधा घंटा बाद कर देना लोकतंत्र ठप हो जाने के बराबर, टीआर रामचंद्र साहब से पहले कि मैं नहीं उसमें हमें तो लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है। भाई, अपनी बात तो कहेंगे ना, अपनी बात कहेंगे, हमें उन लोगों की भी तो बात करनी है जो लोग पीछे छूट गए। जो लोग आगे आ गए वो तो ठीक है, वो तो राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए और मिनिस्टर एमएलए बन गए। अब जो लोग नहीं बने उनको कौन देखेगा? उनकी बात तो होनी चाहिए ना। भाई, सारा पूरा देश राष्ट्रपति जी के साथ है, मैं उनको बधाई देता हूँ, उत्तर प्रदेश के मैं उनको दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जो और साथी जो गरीब लोग हैं उनको भी आगे आना है। जैसे अभी आपके द्वारा मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने बोला संकल्प यात्रा होनी है, तो संकल्प यात्रा कौन सी संकल्प यात्रा? भाई, असली देशभक्ति क्या है? असली देशभक्ति है हमारी गरीबी दूर हो, हमारी डेवलपमेंट हो, रोजगार मिले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सबको ट्रांसपोर्टेशन मिले, उसकी बात नहीं कर रहा है कोई। संकल्प यात्रा होगी, कौन सी संकल्प यात्रा? असली देशभक्ति तो यह है कि हमारे सबको रोजी रोटी मिल जाए, इसकी बात होनी चाहिए। ये तो एक तरह का नाटक है ना, हर तरह का, कि संकल्प यात्रा है, ये योग यात्रा है, ये फलानी यात्रा है। यात्रा से क्या होने वाला है? यात्रा से कुछ होगा? अगर कोई देशभक्ति की बात करता है तो देशभक्ति, असली देशभक्ति है कि हमारे सभी को रोजगार, डेवलपमेंट और सबको ट्रांसपोर्टेशन। आपको बीजेपी के प्रवक्ता भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले जो है मैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास जाना के पास जाऊं। एक बात, नहीं मैं आ रहा हूं वापस आ रहा हूं, लेकिन टीआर रामचंद्र जी, अगर इस प्रोटेस्ट को हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा अगर बाद में कर लेते, ये तस्वीर अभी नहीं आती, तो क्या लोकतंत्र ठप हो जाता है? पूरे दुनिया में किसी को इंसाफ नहीं मिलता, और इस वक्त क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि दूसरी तरफ की आवाज है ही नहीं, अगर हम ये प्रोटेस्ट की बात उठा रहे हैं तो? जैसे वो कह रहे विपक्ष, मेरे ख्याल में कुछ चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। वो बात ये है कि वो प्रोटेस्ट कल के जो स्पीकर साहब ने डिसीजन लिया, जो 6 नुमाइंदों को उन्होंने बाहर कर दिया था, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। पर ये प्रोटेस्ट जो भी फंक्शन हो रही है प्रेसिडेंट के स्वेयरिंग इन सेरेमनी के साथ, उसके साथ कहीं कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जब ये जाएंगे सेंट्रल हॉल में और जहां पर उनको शपथ दिलाई जाएगी, वहां पर कोई प्रोटेस्ट का नॉइज हुआ तो वो बात समझ आती है, पर इसका और उसका बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। और मेरे ख्याल में हमारी डेमोक्रेसी में इतनी छूट लोगों को है कि अगर वो पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो डिसीजन लिया गया उसके खिलाफ वो हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है। उन्होंने कोई लॉ तो नहीं तोड़ा वहां पर, उन्होंने वहां जाके पीसफुल प्रोटेस्ट की है। जो स्वेयरिंग एंड सेरेमनी होगी तो सब लोग अंदर आ जाएंगे। जी निरंजन, मैं ये मानता हूँ किसी भी डेमोक्रेसी में दुनिया के ये एक परंपरा है प्रोटेस्ट का, वक्त बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं। इस साल जनवरी में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रल हुआ था, जब वो शपथ ले रहे थे, उस दिन अमरीका में उतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट कभी नहीं देखने को मिली। इनॉग्रल के एरिया में भी प्रोटेस्ट हुई और पूरे देश भर में हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमरीका हमारे लिए आदर्श होना चाहिए, वहाँ हुआ तो जस्टिफाइड है, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ कि ये दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है और यही डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। इसके बावजूद राष्ट्रपति राष्ट्र के होंगे, पार्टी के नहीं होंगे, सरकार के नहीं होंगे। इस पर मैं, मेरे सहयोगी रविंद्र भी मौजूद है, उनके पास रुक करूं। प्रेमचंद मिश्रा जी से पहले मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं। जी मिश्रा जी, देखिए, अभी हमारे बीजेपी के मित्र ने जो कहा कि राज्यसभा में इसी चर्चा हुई, तो उन्हें अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए कि राज्यसभा में चेयर ने अलाउ किया, लोकसभा में चेयर अलाउ नहीं कर रहा है। और जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप सस्पेंड कर रहे हैं 5 दिनों के लिए, कि आप हाउस में नहीं आ सकते हो, तो ये थोड़ी परिस्थिति अलग अलग है। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस चीज़ को समझना होगा।
मैं समझता हूँ कि आज जो मूल समस्या देश के समक्ष है और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार से अपेक्षाएं लोगों को थी, उस दिशा में अगर हम काम करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ विपक्ष का काम है उन चीज़ों को याद कराना, लेकिन आप अगर डेमोक्रेटिक राइट्स को ही अगर कुचलना चाहते हैं या अपनी एक ग्रुप की सोच को थोपना चाहते हैं तो फिर कठिनाई आएगी और विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, सवाल तो यहाँ पर ही बनता ना कि ठीक है दोनों बातें जायज, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो भी आपका साथ दे रहे हैं कि ये तो आपका डेमोक्रेटिक राइट है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये तो कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है ना कि चेयर पर कागज फेंकना, चेयर पर फब्तियां कसना और फिर उसके बाद चेयर जब उस पर सस्पेंशन का या फिर चेयर डिसिप्लिनरी एक्शन ले तब ये प्रोटेस्ट करना। सचिन जी, मैंने तो देखा है लोगों ने फाइलें फेंकी हैं और आप तो पार्लियामेंट कवर तो फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, तो सीनियर मोस्ट ऑफर जर्नलिस्ट है स्पीकर, ये नहीं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, कर रहे कि उन्होंने फेंकी फाइलें इसलिए होनी नहीं हुई है, ये पहले भी नहीं, नहीं ये पहले भी होती रही है, कोई अनहोनी घटना नहीं है, ये कई बार गुस्से में लोग कुछ फेंक देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो चेयर का अनादर कर रहे हैं। चेयर का आदर करना, संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान प्रकट करना, कांग्रेस और विपक्ष की दलें उसके लिए कमिटेड है, मैं आपको एश्योर करता हूं, हमने कभी चेयर के खिलाफ अनादर नहीं। मैं रविंद्र को इसमें शामिल, रविंद्र आप तो मौजूद थे उस वक्त संसद में, संसद कवर कर रहे थे, ये किस तरीके का हुआ कि सस्पेंशन जब हो गया या डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट तो जायज है, लेकिन जब कागज फेंका गया और कागजों को जस्टिफाई किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए सचिन, दो बात जरूर बताना चाहूंगा, जो कागज फेंका गया स्पीकर ने साफ तौर पर कहा अगर आज एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आने वाले सांसदों को क्या हम सबक देंगे। हाँ। कि जिस तरह से जो सरकार के कागज होते हैं, संसद की कार्यवाही के दौरान जो कागज टेबल पर रखे होते हैं, उन कागजों को फाड़ा गया, उनको गोल गोल करके स्पीकर चेयर तरफ फेंका गया, बोले कि ये न सिर्फ मेरी अवमानना है बल्कि संसद की अवमानना है, इसलिए एक्शन लेना पड़ा 6 दिन के लिए, 5 दिन के लिए एक्शन लेना पड़ा 6 लोगों के खिलाफ, और इसके खिलाफ विरोध। और दूसरी बात जरूर एक क्लियर कर दूं कि जो संकल्प यात्रा निकाला जा रहा है ये किसी पार्टी के लिए होगा, ये के शर्मा भी खुश ना हो ना कि इन पर बाकी दूसरे लोग आरोप भी न लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर कहा कि 2022 में जो 75 साल हो रहे हैं आज़ादी के उसके लिए हम संकल्प यात्रा निकालेंगे कि भारत 2022 तक विश्व गुरु बने या फिर बहुत विकास की जो गाथा है एक मुकाम हासिल करें, इसलिए आज से ही 70 साल से 75वें साल तक हम संकल्प यात्रा निकालना चाहेंगे। नहीं, लेकिन यहां से लकीर जो है ना वो तो साफ नजर ही आ रही है। निलंजन, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं जाऊँगा राजीव रंजन के पास भी। पार्लियामेंट में जो अनरूली बिहेवियर होता है इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और एक अल्टीमेट सोल्यूशन होना चाहिए। 98 में जब बालायोगी जी लोकसभा के स्पीकर थे और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, तब एक संसद में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस, जिसमें MPs और देश भर के MLAs और सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आए थे, जिसमें रेजोल्यूशन एक्सेप्ट पास हुआ था एक कोड ऑफ कंडक्ट का, जिसमें कागज फेंकना, वेल में आके चिल्लाना, इन सब चीज़ों को बोला गया था कि ये नहीं होगा, और एक कोड ऑफ कंडक्ट का एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। लेकिन उसके बाद ना अटल जी की सरकार, ना UPA की सरकार, ना इस सरकार ने अभी तक उसको स्टैट्यूटरी फॉर्म में उसको किसी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। मुझे लगता है इस सरकार को उस रेजोल्यूशन को दोबारा देखना चाहिए और एग्जामिन करना चाहिए कि क्या तरीके हो सकते हैं कि उसको एक तरह से बाइंडिंग करें तमाम MPs और MLAs के, ना सिर्फ संसद में बाकी सारे देश के असेंबलीज में भी। जी, मैं इस अनरूली बिहेवियर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो हाउस में हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए स्पीकर साहिबा ने अपना एक रूलिंग दिया, उनकी रूलिंग अपनी जगह है, बट अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगले दिन बाहर आके तो उनको जो भी तकलीफें हैं उसके वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को ना मिक्स करें तो बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो चीज की हाउस में वो सही है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आई थिंक मेरे काबिल दोस्त भी ये मानते होंगे कि जो उन्होंने किया वो गलत है, उसकी उनको जो भी स्पीकर साहिबा ने डिसीजन लिया है वो उन पे लागू होता है। अब इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेस्ट है, जो प्रोटेस्ट है इतना तो आप डेमोक्रेसी में अलाउ ही करते हैं ना। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर रामचंद्र जी आते हैं इस सेरेमोनियल प्रोसीडिंग्स पे, जो कि इस वक्त भव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं, अंदर से गार्ड ऑफ ऑनर बिल्कुल तैयार है और ये पहली औपचारिक मुलाकात हुई है प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के बीच में। इस वक्त ये तस्वीरें तैयार हैं क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर भी कुछ ही देर में दिया जाएगा। निरंजन, अब आप इस तरह की सेरेमनीज के बहुत बार विटनेस रहे हैं,
क्या खास रहता है हर बार इसमें? आपने कहा कि कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो कि पीछे भी रहती हैं, जो कि छूटती भी हैं, और कुछ ऐसी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि उस कैरी भी किया जाता है। देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर एक राष्ट्रपति भवन का एक बहुत अनिवार्य मतलब हिस्सा है गार्ड ऑफ ऑनर का, और इसमें जो ट्रेडिशन है, और इसमें रेगुलरली हर पीरियड में गार्ड ऑफ ऑनर के जो ट्रूप्स होते हैं उनका इनमें परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो वो फॉर्मल उसका अनाउंसमेंट होता है, और चेंज ऑफ गार्ड्स का एक सेरेमनी होता है। तो इस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं ये एक तरह से परंपरा चली आ रही है, जिसका एक खास इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें जो नए राष्ट्रपति आ रहे हैं उनको उतना ही सम्मान दे के वेलकम किया जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें आती हुई, ये राष्ट्रपति भवन से डायरेक्ट लाइव तस्वीरें आ रही हैं। और राजीव कुमार रंजन, मैं आपके पास काफी देर हो गए नहीं आया था, उससे पहले जिस हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिस हम प्रोटेस्ट की बात भी कर रहे थे, इन तस्वीरों का भी जिक्र कर रहे थे, हालांकि ये डेमोक्रेसी की खासियत है, ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन कुछ तो अनरूली हुआ ना, या फिर इस प्रोटेस्ट को कहीं आगे किया जा सकता था? देखिए, सबसे पहली बात है सचिन, जो चेहरे मैं देख रहा हूँ प्रोटेस्ट करने वाले, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता वहाँ हैं, 30-35 वर्षों का संसदीय जीवन है, और पक्ष और प्रतिपक्ष में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है, और मैं समझता हूँ आज स्टूडियो बहस में अगर संसदीय प्रक्रियाओं के संबंध में उनके ज्ञान या अज्ञान पर अगर हम विमर्श कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें परंपराओं का भी एहसास है, आज एक महत्वपूर्ण दिन है, इसका भी उन्हें ज्ञान है, और मैं समझता हूँ जो फोटो के फ्रेम्स आप दिखा रहे हैं, जो विजुअल्स दिखला रहे हैं, वो एक दूसरे से कहीं उनकी टकराहट नहीं है, वो अलग 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 स्थानों पर वो घटनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, वो सेरेमनी में वो सबके सब शामिल हो रहे हैं, और लोकतंत्र में अगर रचनात्मक विपक्ष नहीं हो, एक सबल और सशक्त विपक्ष, मायावती जी के साथ राज्यसभा में हुआ, या जो आज लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर के आज देश में चिंताएं हैं उनको लेकर अगर प्रतिपक्ष ने अगर इस मौके का प्रयोग किया है, तो मैं समझता हूं उनकी समझदारी, उनकी वरिष्ठता, उनके अनुभवों को भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो संसदीय प्रक्रियाओं के अनुकूल है और भारत की विरासत और परंपरा के भी अनुकूल है। जी, लेकिन रामचंद्र जी, अगर ये सिंबॉलिक ही है, लेकिन एक कहना कि लकीर तो यहाँ विपक्ष की तरफ से और जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो दूरी है कम से कम वो तो यहाँ पर खींची है ना, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन से ही जिस तरीके का हंगामा, मायावती का कहना है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, अगर बोलने नहीं दिया जाएगा वो इस्तीफा दिया जाना, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली उस वक्त चल रहा था कि एक और जो बीजेपी के एक्टिव सदस्य वेंकैया नायडू रहे हैं वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, फिर वो राज्यसभा के भी सभापति बनेंगे, जुड़ती तो हैं फिर ये तस्वीरें। देखिए, मेरे ख्याल में एक रीसेंट हिस्ट्री का भी कुछ देख लेना चाहिए हमको। 2013-14 में जिस तरीके से बीजेपी ने सत्र नहीं चलने दिया, वो भी एक किस्म में मानसून सेशन नहीं चलने दिया, विंटर सेशन नहीं चलने दिया, फिर जब बजट सेशन आए उसमें भी काफ़ी हंगामे हुए पर बजट पास हो गए वोट ऑन अकाउंट। तो आखिरकार 2014 में हम सबको मालूम है कि जनरल इलेक्शंस हुई और कैसे नरेंद्र मोदी साहब ने अपना जलवा दिखा के देश अपना इलेक्शन जीता और बीजेपी को पहली बार लोकसभा में मेजॉरिटी दिलाई। आखिरकार अगर हम इसको मद्देनजर रखेंगे तो कांग्रेस ने बार बार ये कहा है कि हम मदद ज़रूर करना चाहते हैं, बट क्योंकि आपने ऐसा किया तो हम भी अड़चन डालना चाहते हैं। मैं ये नहीं मानता कि टिट फॉर टैट होने थे, बट आखिरकार देखिए कांग्रेस और विपक्ष का प्रॉब्लम है कि उनके पास गणित नहीं है, नंबर्स नहीं है, अरिथमेटिक नहीं है। निरंजन, अगेन कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि यहाँ से क्या, भले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसका जिक्र हमने शुरुआत में कार्यक्रम में किया था, लेकिन फर्क तो पड़ता है। और क्या ये सिंबॉलिक तरीके से ही देखना, फर्क ये नजर आ रहा है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति जो होगा वो आपके बीजेपी से आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो हो सकता है वो भी बीजेपी से आ सकते हैं, ये इम्पैक्ट तो भारतीय राजनीति को करता कहीं नजर आ रहा है, और इस वक्त की स्थिति को नहीं। जहाँ तक ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों भारतीय जनता पार्टी से होना, ये बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक एक डेवलपमेंट है, एक तरह से हिंदुस्तान की राजनीति में ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। संघ के इवोल्यूशन में भी एक ऐसे नेता के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं वो राष्ट्रपति बनना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बचपन से
साथ रहें, तो उसमें कोई उतनी बड़ी कि पहली बार वेंकैया नायडू जी के वाइस प्रेसिडेंट बनने की बात नहीं है, लेकिन रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने का ज़रूर एक बहुत ही राजनीतिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ तक ये कि सत्ता पार्टी और अपोजिशन के बीच में रिश्तों को बेहतर करने की प्रयास जो है, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से सफिशिएंट प्रयास नहीं किया गया, ना इस लोकसभा में ना पहले कभी। लगातार हम लोग करीब 25-30 साल से ये चीज़ दिखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट में एक तरह से आपने उसको एक अखाड़ा बना के रख दिया है। मैं मुझे लगता है कि एक बार सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या उसकी लाइव कवरेज होना ज़रूरी है, क्या हम उसको डेफर्ड लाइव नहीं करें, या फिर हम उसको कुछ लिमिटेड तरीके से दिखाया जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करते हैं वो मेनली एक तरह से नेशनल ऑडियंस को देखते मद्देनजर रखते हुए वो परफॉर्म करते हैं, तो वो अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। मायावती जी ने जो इस्तीफा दिया उन्होंने वो एक तरह से लाइव टेलीविजन का फ़ायदा उठाया, आपको एक तरह से राष्ट्र को संबोधन करने का मौका मिलता। ये सिर्फ सत्ता ऑपोजिशन के नेता नहीं करते, लेकिन सत्ता के लोग नहीं करते। ये तो फिर वही गैग करना हो जाएगा ना, कि जिसका जिक्र गैग अगर हम कहें, गैग जैसे कह रहे थे कि जब एग्जेमटी हो गया तो फिर छापा क्यों, कार्रवाई हो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से एक डिबेट की जरूरत है कि क्या लाइव कवरेज अभी भी होना जरूरी है, क्या ये कॉन्ट्रीब्यूट करे। हम समझे तो हम लोग जाके इसको सर्वे करके या कुछ स्टडीज़ करके हम समझने की कोशिश करें क्या इसने कंट्रीब्यूट किया। आखिरकार हमको देखना पड़ेगा कि जब से टेलीविज़न कवरेज शुरू हुआ है तब से अगर हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को देखें तो आपको एक तरह से ट्रेंड देखने को मिलता है कि डिक्लाइन ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री इथोस, वो तब से दिखता है जब से लाइव टेलीविज़न कवरेज दिखता है। जी शर्मा जी। सचिन जी, अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये 30 साल पुराने चेहरे हैं, ये वरिष्ठ लोग हैं और ये जो निर्णय ले रहे हैं। मैं नहीं मानता कि यदि 30 साल का संसदीय अनुभव है तो जो वो निर्णय लेंगे वो बहुत सही निर्णय ले रहे हैं। यदि ऐसा होता तो ज़मीनी हकीकतें कुछ और होती हैं और जो है निर्णय इनके कुछ और होते हैं। ये चीज़ें अभी फिलहाल की घटनाओं में हमने सारे उसमें देखा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे नोटबंदी का इशू हो, सब जगह पर जो है इसी तरह के विरोध हो रहे थे, यही सीनियर लोग कर रहे थे और पब्लिक जो है सोच बिल्कुल अलग थी। तो मैं इसको लेकर यदि कोई ये कहे कि ये प्रदर्शन जो है बहुत सही है ये है, तो मैं इसको नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, उन्होंने सीधा एक स्पीकर पर ही आरोप लगाया कि साहब वो राज्यसभा में तो स्पीकर ने अलाउ किया था, यहाँ स्पीकर अलाउ नहीं कर रही। कल संसदीय मंत्री अनंत कुमार जी ने बार बार कहा कि आप इसको इशू को लेकर आए हैं, हम इस पर चर्चा कराना चाहते हैं, इस पर अभी समय हम तय कर रहे हैं, आप उसमें बहस कीजिए। लेकिन विपक्ष का ये कहना था नहीं नहीं साहब, हम आप अभी काम रोकिए और तुरंत बहस चालू कीजिए। तो ये एक जो एक सिस्टम है लोकसभा में, और ये ऐसा नहीं है कि इसको लेकर विपक्ष नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, विपक्ष भरपूर जानता है इस विषय को। लेकिन यदि मनसा कुछ और हो, उसमें बहस मनसा ना हो और उसके पीछे केवल एक मनसा हो कि साहब हमको प्रोटेस्ट करके। उसमें एक बात अभी आपने जोड़ी कि ये जो लाइव कवरेज, इसमें कैसे हम फुटेज ले लें, कैसे हम जो है एक न्यूज़ बना दें कि साहब आज इस विषय को लेकर प्रोटेस्ट करके जो है संसद ठप कर दिया गया। तो ये इस तरह के न्यूज़ के चक्कर में ये इस तरह की कई जो है घटनाक्रम आगे होते हैं और फिर वो एक मर्यादा लांग जाता है, ठीक है, एक उत्तेजना में, और वो मर्यादा इसी तरह लांगा गया कि गोले बना बना के जो है स्पीकर के ऊपर फेंके गए, वहाँ के फाइलें फाड़ी गई, तो ये जो है मर्यादा को वहाँ पर तोड़ा गया है।